घर में वाइफ हमारी कोई चीज बनाती है हमी को बनाना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होगा बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि हम जाने वाले हैं वर्ल्ड फेमस लखनऊई के टुंडे कबाबी, सो लेट्स सी। और इंस्टाग्राम का वायरल बास्केट चाट भी हम लोग खाने वाले हैं, तो आगे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा सब कुछ विद डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। शाहरुख खान आए थे क्या गाड़ी में बैठ के खा रहे? मैं देखी इतना अच्छा नहीं है, मतलब अंदर बैठने की जगह, मगर टेस्ट बहुत अच्छा, इसलिए फेमस है। शाहरुख खान का जो ड्राइवर था कहने लगे साहब यही खाना है आपको। अच्छा, कहने लगे यार बवाल करना हो गया, यहाँ का नाम खरीद के खाएंगे। कहने लगे बिरयानी आपको खाना है तो फिर यही खाना है, अब आप सोच लीजिए। अच्छा, तो कहने लगा ऐसा है कि जो मालिक है इसका उसको बुला के लेके। अच्छा, बुलाया वो गाड़ी में। हाँ, बुला रहे वो ये समझे कि मजाक कर रहा है। कहने लगे भाई ऐसा करो यार, अपने लाके प्लेट में गाड़ी में हमें लाके दे। अच्छा, गाड़ी में बैठे आपको टुंडे कबाब के अलावा और भी वैरायटी वहाँ मिलेगी, बिरयानी भी मिलेगी, ऑमलेट भी मिलेगा आपको जी हाँ, और आपको मैं पहली बार ही खाया था, वो भी बॉम्बे में खाया, नहीं मेरे को नहीं मजा आया। वो टुंडे कबाब ही अलग है और ये टुंडे कबाब ही अलग है, ये सब यहीं से जो है बच्चियों को लेके जाते लखनऊ से फिल्म स्टार्स। अच्छा, बेकरी थी आपकी पहले? हाँ, ट्राई करते थे बना बना के, ट्राई करते थे, तभी तो आपको इतना नॉलेज है ना खाने पीने का। मैं वही सोचूं आपको कैसे इतना नॉलेज, मैं बोलने वाली थी कि इतना नॉलेज कैसे आपको खाने पीने का। हाँ, अच्छा, जितनी भी चिड़िया है सब खाते। ये आ गया ना अपना रॉयल कैफे, रॉयल कैफे स्टेशन है ना हजरतगंज करेंगे। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप थक जाओगे। अच्छा, क्योंकि पूरी मार्केट अच्छा लगेगा। अच्छा है, ओके। और तुलसी हॉल, तुलसी हॉल ठीक है, सब खाने पीने का है। ओके चाचा, चलिए चाचा, अच्छा लगा आपसे बात करके और मिल के। घर में वाइफ हमारी कोई चीज बनाती है हमी को बनाना, जब कायदे की चीज। हाँ, अच्छा, टुंडे कबाब भी चालू रहेगा ना? जी हाँ, ठीक है, रात के 1:30 बजे। ओके, चलिए, शुक्रिया चाचा। रॉयल कैफे फॉर आवर वेरी फेमस बास्केट चाट, चले। हाँ, ये वाली, सो वी हैव टू टेक कूपन आई गेस फ्रॉम हियर। एक बास्केट चाट, यहाँ पे मैंने एक बास्केट चाट ऑर्डर किया जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुई थी कुछ टाइम पहले, सो हम आ गए वही खाने के लिए। यहाँ पे 250 का उसका रेट है एक बास्केट चाट का, और दो जन के लिए मोर देन इनफ है। सो यहाँ पे इतने सारे फिल्म स्टार्स आके खा चुके हैं, तो उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई है, और वो चाचा जो है उन्होंने इसको इन्वेंशन किया था। अब यहाँ पे लगने जा रही है मेरी बास्केट चाट। सबसे पहले तो जो पोटैटोज़ की जो क्या नाम है उसका श्रेड्स है, उसका एक बास्केट फ्राई किया हुआ आ गया, उसके अंदर दही बल्ले, आलू टिक्की, बहुत सारे चने छोले, एंड देन मसाले डाले हैं सूखे, धनिया सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, एंड देन फिर से सूखी पापड़ी है, छोटे वाले दही बल्ले है, और फिर उसके बाद में इसमें ये लोग डालेंगे सौंठ की चटनी जो कि स्वीट वाली होती है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट इमली और खजूर की चटनी मीठी वाली। इसके बाद आएगी इसमें हरी चटनी, तीखी वाली, पुदीने वाली, और फिर से मोर क्रिस्पीनेस टू द चाट, तो सूखी वाली पापड़ी आ जाएगी इसके ऊपर क्रश करके, और उसके बाद आएगा खूब सारा दही जो कि माइल्डली स्वीट था, एकदम क्रीमी और काफ़ी जेनरस अमाउंट में डाला गया था, तो इसी से चाट की पूरी जान है, एकदम क्रीमी फ्लेवर आता है इस दही से। और फिर एंडिंग में थोड़ा सा सजावट के लिए लोगों ने डाला है सेव, फिर उसके बाद में इस पर थोड़ा सा कुरमुरा येलो कलर का, एंड देन आई
कोथमीर बारीक कटी हुई, और फिर आया अनारदाना पोमोग्रेनेट सीड्स, और फिर लास्ट में ना ये कोई चटनी थी च्यवनप्राश जैसी। आई गेस ये पेट ना खराब हो इसके लिए है चाट खा के। और फाइनली इंस्टाग्राम का मोस्ट वायरल बास्केट चाट हमारा बन के रेडी है लखनऊ का, तो मैंने पिक कर लिया है। सो अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं बास्केट चाट। इसके बाद हम लोग खा पाएंगे। टेस्ट है मतलब नॉर्मल चाट से कुछ अलग है। अगर लखनऊ तो जरूर आना है, यहाँ पे ट्राई करना रॉयल कैफे में, क्योंकि दूसरी जगह मैंने देखा बट वर्थ नहीं है। दही बड़ा था, आलू टिक्की थी, छोले थे, आलू था, पापड़ी थी, अनार, दही, सौंठ की चटनी, बहुत सारी कुछ चीज़ें थी। दो जन के लिए बहुत है और एक जन ये बिल्कुल नहीं खा पाएगा अकेले। तो रॉयल कैफ़े हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन के एकदम बाजू में है। टू ट्राई दिस प्लेस। तुम्हारे वजह से ये भी देख लिए। ये एक्चुअली लोग का आर्ट वर्क है, लखनवी डेकोरेशन नहीं है ये। ये जो काम है ना, जैसे ये मेरे ड्रेस पे है, इसी ये काम को बोलते लखनवी। ये लोग का यू नो ब्रांड जैसे है लखनऊ की पहचान, टुंडे कबाब। और ये अलग अलग पैटर्न्स दिए, देख रहे हो। तो ये सारी जगह है ना अंदर मेट्रो स्टेशन के बनी हुई है, डिज़ाइंस एंड एवरीथिंग, जो पैटर्न है ड्रेसेस का और जो धागे का वर्क होता है ना, हैंडवर्क लखनऊ की स्पेशलिटी, तो वो सब यहाँ पे पूरे वॉल्स पे डिज़ाइन इसकी बनी हुई है। ये मेट्रो स्टेशन से हम जा रहे हैं दूसरे मेट्रो स्टेशन टुंडे कबाबी खाने। हाथ गाड़ी क्या बोलते इसको, साइकिल रिक्शा ना, रिक्शा। तुम ज्यादा भारी हो। इससे 10 रुपए ज्यादा लेना अंकल, बेचारे चलाएंगे। चुप, इनका वेट ज्यादा मेरे पे नाम ले रहे हैं। सीरियसली मजा आ रहा लखनऊ की गलियों में, रात को 10 बजे घूम रहे हम लोग। सब बंद तो हो गया है, चालू तो रहेगा ना भाई टुंडे कबाबी। अपनी फौज बुलाएंगे पहले। हाँ मीम क्या आया था, रियल में कर रहे थे कानपुर में, यही सब तो चालू था। देखो भाग रहा है बंदर। रास्ते में ना कुत्ते और बंदर लोग की फाइटिंग ये सब चल रही थी, तो फिर वही बोल रहे थे लोग अपनी अपनी फौज बनाएंगे लड़ने के लिए। बीच में मतलब इंस्टाग्राम पे आ रहा था ना, सब लड़ रहे थे। और आफ्टर एन अमेजिंग रिक्शा राइड आ गया था हमारा टुंडे कबाबी, और 11:45 बज रहे थे फिलहाल, और बहुत मज़ा आ रहा था। ठंडी हवा थी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, और एकदम ओपन में बैठ के एकदम फास्ट फास्ट आने में ना अलग ही मज़ा था। और क्या है ना कि मुंबई में ऐसे सब एम्बियंस है नहीं ना, लाइक ह्यूमन रिक्शा ना, और यहाँ पे तुफेल के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था खुले में घूमना ऐसा। फिर हम लोग ने एंटर किया होटल में, तो सबसे पहले आई वॉल ऑफ फेम जहाँ पे सारे एक्टर्स की फ़ोटोज़ थी विद द ओनर एंड ऑल। एंड फिर हम लोग एंटर किए अंदर फर्दर रेस्टोरेंट में, और अभी 11:45 भी इतना ज़्यादा क्राउडेड था ये कि हम लोगों को वेट करना पड़ा 20-25 मिनट, उसके बाद हम लोगों को बैठने मिला। तो ये मटन के कबाब मंगाए हैं और ये मुगलाई पराठा है। टुंडे कबाब जो है दो वेरिएंट्स में मिलते हैं, एक तो बफेलो के होते हैं और दूसरा होते हैं मटन के। तो यहाँ पे मैं मटन ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि एक ही ऐसी डिश है मटन की जो मैं खाती हूँ वो है ये कबाब, अदरवाइज़ मैं मटन बिल्कुल नहीं खाती। और ये मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ, मेरे को मतलब इतना अच्छा लगता है ये कबाब, क्या होता है मुंबई में भी ना 3 आउटलेट्स थे लखनवी के, तो अभी आई डोंट नो फॉर सम रीज़न बंद हो गए हैं, और अभी बस एक ही बचा है। तुफेल मेरे को हमेशा ले जाते थे वहाँ पे, तुफेल को नहीं पसंद खुद को, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी रात के 12 बज रहे हैं हम लोगों निकलते निकलते, और यहाँ पे अभी भी इतने क्वांटिटी में कबाब्स बन रहे हैं, पराठे बन रहे हैं पार्सल के लिए, और अंदर और भी वेटिंग है होटल्स में उनके लिए भी। तो ये अमीनाबाद का एरिया है जहाँ पे सारे फेमस लखनऊ के रेस्टोरेंट्स और आउटलेट्स मौजूद है, एंड ये मार्केट एरिया है। इसके बाद हम लोग चले गए थे हमारे होटल। उधर लिखा है छोटे भाई की छोटी दुकान, दूल्हा तैयार करके देंगे। दूल्हा तैयार करेंगे, मैं भी, मेरा कज़िन तैयार नहीं हो रहा शादी करने के लिए, इन अंकल का नंबर दे देती हूँ। तैयार करके दे देंगे, मतलब रेडी हो जाएगा ना शादी करने के लिए।
आई नो बहुत गंदा पीजे था, सॉरी बट नॉट सॉरी। एनीवेज, सो ये था मेरा आज का व्लॉग, स्टे ट्यून्ड, आगे और भी व्लॉग्स आएंगे लखनऊ के रिलेटेड, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर ये व्लॉग पसंद आता तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।